कौन सी डैम्पिंग करी है? एल्फार्ड की, इसमें डबल लेयर डैम्पिंग करी है। प्रोसेसर हो गया, डीएसपी जिसे कहते हैं, उधर आपका एम्पलीफायर हो गया, हेडलाइट में जिनोम के प्रोजेक्टर डाल रहे हैं 130 वॉट्स के, सब वूफर बोलते हैं, और उसके इसको बोलते हैं एनक्लोजर, इसमें हम फिटिंग करके देते हैं। ब्रांड की ही यहाँ पर आपको डैम्पिंग देखने को मिलेगी, और ये बोनट वाली ही डैम्पिंग है। इसमें डीएसपी की सेटिंग ट्यूनिंग इसे बोलते हैं, प्रॉपर करके देता हूँ मैं गाड़ी। ये जल्दी इसकी फॉग लैम्प जो है प्रोजेक्टर लगाया, और ये हो गया इसकी हाई बीम, जिसमें हमने ऐसा ऑडियो अपग्रेड करा है जो मेरे हिसाब से शायद किसी ने नहीं करा होगा। हेलो गाइस, दिस इज सकलेन खान एंड टुडे वाचिंग माय चैनल मोटो बीस्ट। एंड गाइस, आज लेकर के आए हुए हैं आप लोगों के लिए एक ब्लैक, यहाँ पर हमारी बीस्ट खड़ी हुई है फॉर्च्यूनर, जिसके अंदर हमने एक बहुत ही बीस्ट लेवल का ऑडियो सिस्टम, एसक्यू लेवल का साउंड क्वालिटी वाला हमने यहाँ पर इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम सेटअप कर दिया है ऑलमोस्ट। और अभी जो है काफ़ी थोड़ा बहुत काम जो है वो चल रहा है इस गाड़ी के अंदर। इंट्रो जो है वो हम बना रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हैं बनाने में, क्योंकि भाई बहुत ही बढ़िया काम कर रहे थे और भाई काफ़ी बिजी थे, पूरा डीएसपी वगैरह सब कुछ सेट कर दिया इसके अंदर है भाई। प्रॉपर इसमें डीएसपी की सेटिंग ट्यूनिंग इसे बोलते हैं, प्रॉपर कर देता हूँ मैं गाड़ी बिल्कुल, में बिल्कुल। तो भाई उसमें टाइम कंज्यूम होता है, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे। मैं इस गाड़ी में 1:30 बजे लगा था स्टार्ट करना, और अभी टाइम अगर हम देख सकते हैं 7 बज चुके हैं, ठीक है, और अब जाके इसमें मैंने ट्यूनिंग खत्म करी है। तो बिल्कुल भाई साहब, मतलब ट्यूनिंग करने में इतना टाइम लग गया, इतना सारा इसके अंदर सेटअप जो है टॉप नॉच है। इसके ऊपर कुछ होता है? इसके ऊपर भी बहुत कुछ आता है, पर ये था कि कस्टमर का जो लेवल है, मुझे मतलब लेवल इन द सेंस कि मुझे पता है उनको कितना क्या चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने उनको टॉप नॉच बना के दिया है। बिल्कुल, आपकी पसंद के हिसाब से होती है सारी चीज़ें। तो इस गाड़ी के अंदर क्या क्या करा है हम आपको एक एक करके बताएंगे, और क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या कर रहे हैं सारी चीज़ें बताएंगे। आगे फॉगलाइट वगैरह भी, प्रोजेक्टर वगैरह भी हेडलाइट में लगा रहे हैं, हेडलाइट और प्रोजेक्टर भी चेंज कर रहे हैं इसके, ठीक है, मतलब इसमें सब कुछ काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस गाड़ी का मैंने नहीं खोला है, बिल्कुल सारी चीज़ें इसके अंदर कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको। एड्रेस और नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। साहिबाबाद गाजियाबाद में आए हुए हैं, कार निखार पे सामने आप बोर्ड देख ही सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन काम टॉप नॉच क्वालिटी का यहाँ पर हो करके मिलता है आपको। पीछे भी काफ़ी वीडियोस हमने अपलोड करी हैं, आप लोगों ने अगर नहीं देखी हैं तो वो भी ज़रूर आप जा करके देख सकते हैं, ताकि आपको नॉलेज हो जाए किस लेवल का काम, किस क्वालिटी का काम भाई करते हैं, और कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं यहाँ के कस्टमर्स। तो शुरू करते हैं फ्रंट से, दिखाना आपको कि क्या क्या काम यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो भाई फ्रंट से पहले आपको दिखा देते हैं कि फ्रंट में क्या क्या काम कर रहे हैं। आपको यहाँ पर बम्पर जो है पूरा यहाँ पर ओपन कर रखा है, क्योंकि बम्पर ओपन ही होता है भाई अगर फॉगलाइट वगैरह लग रही है यहाँ पर, अगर हेडलाइट वगैरह खुलेगी और जिसके अंदर प्रोजेक्टर जो है वो इंस्टॉल होंगे। तो क्या क्या काम आगे चल रहा है यहाँ पर भाई? तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फ्रंट लुक से स्टार्ट करें तो इसमें हम हेडलाइट और प्रोजेक्टर डाल रहे हैं, कि कस्टमर बहुत परेशान थे, इसकी हेडलाइट से बहुत हल्की रोशनी है। अच्छा। उनके हमने बाकी गाड़ी में बहुत हाई वोल्टेज डाली हुई ऑलरेडी, जैसे आपके 340 वॉट्स, और उसके साथ में प्रोजेक्टर डाले हैं जो आपने अपनी पुरानी वीडियोज में भी दिखाए हैं मेरी, कि उसकी कैसी रोशनी निकलती है। तो इसमें नीचे तो एक तो हम 2 इंच के प्रोजेक्टर डाल रहे हैं, और ऊपर इसमें हम हेडलाइट में जिनोम के प्रोजेक्टर डाल रहे हैं 130 वॉट्स के विद हाई बीम लो बीम फंक्शन, ठीक है। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है इस गाड़ी के अंदर अभी आगे लग रही हैं। प्रोजेक्टर जो हैं वो लग चुके हैं, हेडलाइट बस फिक्स हो रही है। हाँ, हेडलाइट फिक्स हो रही है। इसमें हमने ऊपर जिनोम के प्रोजेक्टर यूज़ करें, नीचे वही जो आपने पुराना दिखाया था पिछली वीडियो में एक ब्रीजा के, इसमें हमने मुगेटो के प्रोजेक्टर्स यूज़ करे थे, जिसका रिस्पॉन्स हमने उधर जाकर दिखाया था। तो नीचे आप देख सकते हो प्रोजेक्टर यहाँ पर लग चुके हैं, जिसका रिस्पॉन्स भी हम आपको पूरा दिखाएंगे एंड में, क्योंकि अंधेरा हो चुका है। अंधेरा मतलब हम दिखा सकते हैं कि आपको भाई प्रोजेक्टर का इसमें अंदर क्या रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद साइड प्रोफाइल में क्या काम हो रहा है भाई? साइड प्रोफाइल में बेसिकली इसमें हम कुछ ऐसा कुछ खास नहीं कर रहे हैं, इसको हम गाड़ी को पूरा स्टॉक ही रख रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, जैसे हम इसमें बोनट में भी डैम्पिंग कर रहे हैं ब्लॉपंग ब्रांड की इस बार, जैसे पिछली बार भी हमने ब्रीजा वगैरह में करी थी, वो आपने दिखा नहीं पाया था क्योंकि अगले दिन गाड़ी बहुत लेट आई थी मेरे पास में, बिल्कुल बिल्कुल, तो अगले दिन काम हुआ था उसमें। तो उनकी यहाँ पर जो एक तो सबसे पहली चीज़ कि ब्रांड में ही काम करते हैं भाई, ब्रांड के सिवा और किसी चीज़ में काम नहीं करते, और ब्रांड की ही यहाँ पर आपको डैम्पिंग देखने को मिलेगी, और ये बोनट वाली ही डैम्पिंग है, प्रॉपर बोनट की डैम्पिंग है। हम वो वाला काम नहीं है कि इसमें हम डोर्स वाली डैम्पिंग इसमें लगा रहे हैं। डोर वाली डैम्पिंग लगाने में आप जानते हो कि यहाँ पर इंजन गर्म होता है, वो पिघल करके
टपकने लगेगी, चांसेस होते हैं बट रिस्क्यू लेना है, रिस्क्यू लेना है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद फिर अगर हम अंदर आए इस गाड़ी के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने ऑडिबल एक्स ब्रांड का 6128 का एंड्रॉइड इंस्टॉल करा है, बहुत अच्छा इसका रेजोल्यूशन है, QLED है, उसके बाद सर्टिफाइड कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो है, वर्किंग जो है वो हम आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे बिल्कुल, और विद ये 360 कैमरा है, इसमें हमने 360 कैमरास भी इंस्टॉल करे हैं। अच्छा जी, हाँ 360 कैमरा इंस्टॉलेशन यहाँ पर भी आप देख सकते हो साइड मिरर पे, ठीक है ना, और आगे फ्रंट बम्पर में है एंड बैक में है, तो ये पूरे चार कैमरे है। इसकी कैलिब्रेशन भी होगी, कैलिब्रेशन भी करके देता हूँ, पर वो अभी लास्ट में जब गाड़ी हम प्रॉपर तरीके से पैक कर देंगे उसके बाद कैलिब्रेशन भी करेंगे, ताकि जो साइड्स हैं, जो बैक है, जो फ्रंट है, वो प्रॉपर एक अलाइन रहे, सिंक्रोनाइज जो क्या है। बिल्कुल, फिर इसमें हम अगर ऑडियो की, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियो की बात करें तो डैम्पिंग बहुत ज़रूरी है अगर एक गाड़ी में, बिल्कुल, तो इसमें हमने फिर से वही डबल लेयर डैम्पिंग करी है। डैम्पिंग एक तरीके से कह सकते हैं तैयारी है एक अच्छे ऑडियो सेटअप की आउटपुट देने के लिए, अच्छी आउटपुट देने के लिए, तो डैम्पिंग इसके अंदर हो चुकी है। कौन सी डैम्पिंग करी है? एल्फार्ड की, इसमें डबल लेयर डैम्पिंग करी है मैंने, डबल लेयर डैम्पिंग करी है, जिसमें आपको अंदर भी रहता है और बाहर भी रहता है, एक दरवाजे में, यानी डबल लेयर रहती है। अभी टाइम लग गया तो मुझे सेटिंग के चक्कर में DSP की, इसलिए मुझे पैक करने पड़े, तो मैं ज़रूर दिखाता है इसमें कैसे हो रखी है डैम्पिंग। स्पीकर्स कौन से लगाए हैं? स्पीकर्स जो हम इतने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, और वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स, ठीक है, मार्केट में, बिल्कुल भाई, मेनली ऑरा के ऊपर ही जो है क्या नाम है पूरा फोकस करते हैं कि भाई वही इनको सबसे बेस्ट लगता है, एक अपना भी टेस्ट होता है, तो आपको भी बेसिकली अपने पर्सनली भी वही अच्छा लगता है। मैंने अब खुद पर्सनली भी वही यूज़ कर रहा हूँ अपनी गाड़ी में, और रिकमेंड भी वही करता हूँ जिसका बजट है, तो मैं उसको श्योरली कहता हूँ कि वो ऑरा का 3 वेस ज़रूर लगाए गाड़ी में, क्योंकि जो क्वालिटी ये देता ना वो और कोई कंपोनेंट नहीं देता, JBL, रॉकफोर्ड, अल्पाइन, कोई कंपनी नहीं दे पाएगी जो ये क्वालिटी देगी। इस गाड़ी के अंदर क्या स्पेशल ऐसा कर दिया भाई ऑडियो सिस्टम में? क्योंकि ज़्यादातर तो यही होता है भाई कि दो स्पीकर लगा दिए, दो ट्विटर लगा दिए, और दो पीछे कोएक्सल लगा दिए, तो इसके अलावा क्या कर दिया आपने इसमें? आज इसमें हमने ऐसा ऑडियो अपग्रेड करा है जो मेरे हिसाब से शायद किसी ने नहीं करा होगा, ठीक है, पूरे ऑल ओवर गाजियाबाद वाले एरिया में, ठीक है, मतलब यहाँ पे तो क्या यहाँ पे किसी ने नहीं किया होगा, पर मैं गाजियाबाद दिल्ली में शायद लेके चल रहा हूँ, दिल्ली का मुझे आइडिया नहीं, बिल्कुल, ठीक है, तो इसमें मैंने एक तो ट्विन 3-वे सेटअप किया है। ओके, ट्विन 3-वे सेटअप कुछ नया आपने सुना होगा। ट्विन 3-वे क्या होता है, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। ट्विन 3-वे क्या है, जैसे फ्रंट में तो अभी तक आपने देखा हमारी वीडियो में 3-वे कैसे लगाते हैं, ठीक है, अब इसमें हमने कुछ नया लेके आए हैं, क्योंकि सब 3-वे तो लगा ही सकते हैं, ठीक है, ट्विन 3-वे कैसे लगाएंगे रियर में? 3-वे सबसे बड़ी बात, बिल्कुल, कहाँ लगेंगे? तो आगे का दिखाते हैं। हाँ, तो आगे का तो जैसे दिखाई सकते हो 3-वे इन द सेंस, एक स्पीकर हो गया, एक स्पीकर हो गया मिड बास, उसके अलावा यहाँ पे हमने ओरिजिनल फिटिंग में यहाँ पे ट्विटर सैश में लगाया है, ट्विटर सैश के अंदर ट्विटर लग गए, और यहाँ पे मिड रेंज लगा दी 3 इंचेस की ओरा की, ठीक है जी, यहाँ पे मिड रेंज लग गए 3 इंचेस के ओरा कंपनी के ही। ये पूरा सेटअप आता है, ये पूरा सेटअप आता है पूरे बॉक्स में, सिक्स पीसेस का एक बॉक्स में, तीन उधर के, एक ट्विटर, एक कंपोनेंट और एक आपका मिड रेंज हो गया। तो ये हो गया भाई फ्रंट का, इसके बाद ट्विन बोला है, तो यानी बैक में भी सेम चीज़ है। ओके, बैक में देख सकते हो स्पीकर हमने ओरिजिनल प्लेसमेंट पे किया है। ओके, ट्विटर की फ्लश फिटिंग करी है। अच्छा जी, प्रॉपर, कोई से कहीं ये नहीं है कि बाहर से फिटिंग हो रखी है, ऐसे लग रहा है कंपनी से होकर आ रखा है, बिल्कुल, फिनिशिंग दी है, फिनिशिंग प्रॉपर दी है, ठीक है। तो मिड कहाँ पे सेटअप किया भाई आपने? मिड हमने यहाँ पे इसके पीछे वाले पिलर पे किया है, जो पीछे वाला इसका एरिया है। ओके, ये खाली एरिया था। अच्छा, तो कस्टमर का था, मुझे बजट की कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप मुझे अच्छा बना के दो सेटअप। बिल्कुल, तो अच्छा सेटअप बनाने के लिए भाई आपका मिड जो है पीछे भी लगाया भाई ने, मिड क्या पूरा 3-वे पीछे भी लगाया, पूरा 3-वे आगे भी लगाया, यानी ट्विन 3-वे लगाया। और इस सब को मतलब पावर कहाँ से दे रहा है भाई? पावर इसमें मैंने 3 चीज़ें यूज़ करी हैं, नॉर्मल 2 चीज़ें यूज़ होती हैं हमारे, एक एम्पलीफायर और एक मोनो एम्पलीफायर, ठीक है, मोनो एम्पलीफायर जो हम वूफर के लिए देते हैं, मोनो वूफर के लिए लगता है, ठीक है। और आज इसमें मैंने कुछ नया किया है। क्या? इसमें हमने डाला है एक ऑरा का प्रोसेसर साथ में। ओके, तो यहाँ पे एक प्रोसेसर लग गया है, DSP कहते हैं? हाँ, इसको DSP कहते हैं नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में, ठीक है, जो प्रोफेशनल आप जैसे मेरे जैसे लोग हैं, हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं इसे, ठीक है। प्रोसेसर यहाँ पर लग गया है, क्या नाम है, ओरा कंपनी का ही। और क्या नाम है आपने एम्पलीफायर कौन सी कंपनी का लगा? एम्पलीफायर इसमें वाइब ऑडियो का हमने डाला है, ठीक है। और मोनो, मोनो इसमें हमने साउंड बूस्टर का 600 वॉट्स का डाला है। तो एम्पलीफायर आगे है, मोनो और वूफर दिखाते हैं कौन सा लगाया है इसके अंदर। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पर पीछे आपको वूफर देखने के लिए मिलने वाला है। कौन सा ब्रांड है भाई? फिर वही एक ही ब्रांड है, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है ओरा। तो भाई ओरा का ही यहाँ पर हमने लगा दिया है वूफर,
तो इसको क्या कहते हैं वैसे? सब वूफर बोलते हैं और उसके हैं। इसको बोलते हैं इनक्लोजर, इसमें हम फिटिंग करके देते हैं। इनक्लोजर होता है ये, इसके अंदर ये फिटिंग होती है इस वूफर की। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इनक्लोजर के अंदर यहाँ पर पूरा सेटअप हो गया है। इसके साथ मोनो जो है वो कहाँ फिट किया है? वो हमने फ्रंट सीट की, क्योंकि इस गाड़ी में जगह की कम दिक्कत होती है, तो इसलिए हमने उसको फ्रंट सीट के नीचे कर दिया प्रॉपर फ्लश फिटिंग के साथ में, कि कहीं एम्पलीफायर्स हमारे ना दिखें। बिल्कुल जीरो जीरो फिटिंग हो। अभी डीएसपी की आपको वायरिंग दिख रही है थोड़ी ऊपर नीचे, वो भी अभी पूरी अंदर रहेगी, पूरी अंडरग्राउंड उसकी वायरिंग आ रखी है, बस अभी बाहर इसलिए कर रखा क्योंकि हम सेटिंग कर रहे थे। ये जो सारा अभी सेटअप चल रहा है, अभी काम चल रहा है, ये जो आपको वायरिंग दिख रही है यहाँ पर अभी ओपन में, ये सारी वायरिंग जो है सारी सेटअप हो जाएगी, सारी अंदर जाएगी प्रॉपर। नहीं है कि आपको एक एक वायर दिख रही है कि यहाँ से ये रेड वायर निकल रही है, यहाँ से येलो निकल रही है, यहाँ से ब्लू निकल रही है, ऐसा भी नहीं है कि मैट वैट के नीचे दबा दी, प्रॉपर अंदर से कारपेट के नीचे से। ठीक है जी, तो प्रॉपर अंदर से आपकी ये वायरें वगैरह सारी जाने वाली हैं। इधर आपका यहाँ पर हमने बताया प्रोसेसर हो गया, डीएसपी जिसे कहते हैं, उधर आपका एम्पलीफायर हो गया है, आपको एम्पलीफायर दिख रहा होगा, और इस सीट के नीचे आपको यहाँ पर मोनो देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आपका वूफर चला रहा है एम्पलीफायर। हाँ जी, जैसे बहुत लोग ये चीज़ें इंस्टॉल कर देते कर सकते हैं और कर भी देते हैं, ठीक है, पर सबको फिटिंग देनी नहीं आती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या फिटिंग देते हैं, ये ब्लैक कलर की ना एक स्लीव होती है, ये ब्लैक कलर की स्लीव है, ये हीट इंसुलेशन स्लीव होती है कि हमारी वायर में कहीं से कोई फायर प्रूफिंग होती है एक तरीके से, और पूरी वायरिंग को कंसोलिडेट करने इतने हैवी सेटअप पे, और तो ये होता है कि कुछ ना कुछ कहीं से शॉर्ट सर्किट हो, शॉर्ट सर्किट ना हो उसके लिए हम ये फ्लश फिटिंग वाली प्रॉपर ये हीटेड स्लीव डालते हैं कि सारी वायरिंग कंसील्ड जाए हमारी एक से एक, कोई ये नहीं है फैल ना रही हो गाड़ी में। अच्छा, उसको वायरिंग को पूरा इसको इससे लपेट देते हैं? नहीं, इसमें बेसिकली वायरिंग हम डालते हैं पूरी अंदर तक। अच्छा, इसके अंदर डालते हैं? इसके अंदर है, इसमें स्टार्टिंग से ओपनिंग होती है उस तरफ है, वो पूरा लंबा है, खुल जाएगा। ठीक है, रोल। तो ये क्या होता है, पूरी गाड़ी में ना वायरिंग बिल्कुल ब्लैक ब्लैक होती है, कहीं से अगर कहीं से थोड़ी बहुत इतनी सी भी दिख रही है ना वो भी नहीं दिखती उसकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पूरा कवर कर देती है पूरी वायरिंग को, कहीं से ये नहीं है कि आपकी कहीं से वायरिंग निकल रही है रेड कलर की ब्लू कलर की गाड़ी में लगी दिख रही थी, महंगी पूरी आपकी वायरिंग कंसील जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी वायरिंग कहीं से बाहर निकल रही है, कहीं से ऊपर हो रही है, कहीं से नीचे हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारा सेटअप जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, गाड़ी भी आगे से पूरी बम्पर वगैरह अभी पैक ही कर रहे हैं, हेडलाइट वगैरह पैक कर रहे हैं। जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाता है हम आपको फाइनल गाड़ी और ऑडियो सेटअप का आउटपुट ज़रूर दिखाएंगे और बताएंगे आपको कि किस तरीके से बढ़िया काम होता है गाज़ियाबाद साहिबाबाद के अंदर कार निखार पर। तो भाई ये थी गाड़ी, फाइनली पूरी तैयार हो गई है यहाँ पर, अभी हम लेकर के आ गए कस्टमर के पास भी। लाइटिंग रिस्पॉन्स आपको दिखा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं कि एक खाली रोड पे कि किस तरीके से लाइटिंग का रिस्पांस देखने के लिए मिलने वाला है आपको। तो भाई आ गए हैं आपको फाइनली लेकर के एक ऐसे रोड पे जहाँ पे पूरा अंधेरा होने वाला है आगे। तो यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं लाइट का, हमारा जो हमने प्रोजेक्टर लगाए, जो फॉग लैम्प लगाए, उसका क्या रिस्पांस आपको मिलने वाला है। अभी आप देख सकते हैं सामने आपको ये जो स्ट्रीट लाइट है उसकी रोशनी है ये दिखने वाली है, और इसके बाद हम जलाने वाले हैं जो फॉग लैम्प है और जो प्रोजेक्टर है हमारे, उसकी हम आपको क्वालिटी दिखा देते हैं ना। तो भाई बारी बारी से एक एक करके सारी चीज़ें दिखा दीजिए। तो पहले एक बार इसके फॉग लैम्प ऑन करते हैं। ये देखो पूरी रोशनी जो है 2 इंची के साथ देख सकते हो, काफ़ी अच्छी रोशनी जा रही है सामने। और अगर मैं इसके एक बार हेडलाइट ऑन करवा दूं तो ये इसका लो बीम है, ये लो बीम है ऑफ है ना भाई। तो ये आप देख सकते हो ये पूरी ऑफ है, पूरा अंधेरा है। ठीक है, अब ये मैंने जला दी इसकी हेडलाइट। ठीक है, ये जल गई इसकी फॉग लैम्प जो है प्रोजेक्टर लगाया, और ये हो गया इसकी हाई बीम। अच्छा जी, ये हाई बीम जलने वाला है, हाई बीम में मतलब पूरा रोशनी मिलने वाली है आपको एंड तक, और पूरा रोड जो है ना आपका हाईवे पे हो या कहीं पे भी हो बहुत अच्छी रोशनी निकाल के देगा आपको। तो मतलब ये बात है कि इसके अंदर लगवाने के बाद ना आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई एडिशनल कोई और लाइट वाइट वगैरह लगवानी है, आपको सिर्फ प्रोजेक्टर आप चेंज करवा सकते हो। तो प्रोजेक्टर हाँ, चेंज करवा लो या एलईडी भी आप लगवा सकते हो, एलईडी भी लगवा सकते हो। वोट तक का ऑप्शन है हमारे पास 340 वोट तक का ऑप्शन है। अगर आपकी गाड़ी में एलईडी लगनी है तो एलईडी लग जाएगी। बाकी फॉग लैम्प है, फॉग लैम्प कौन से लगाए हमने? मोगेटो कंपनी के लगाए हैं 2 इंची के प्रोजेक्टर, उसमें कितने 90 वाट रहती है। ठीक है, और ऊपर हमने जो लगाए है जेनॉम कंपनी के 3 इंच के प्रोजेक्टर लगाए हैं जो प्रॉपर फॉर्चुनर के लिए आते हैं। ये नहीं है कुछ भी एक आते हैं मार्केट में, जो हम फॉग लैम्प प्रोजेक्टर मेरी लास्ट वीडियो में ब्रीजा में दिखाया था हमने, तो ब्रीजा में हमने वो लगाए थे फॉग लैम्प वाले प्रोजेक्टर नीचे जो लगाए थे, ऊपर इसमें एलईडी डाली थी। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं सस्ते के चक्कर में ऊपर भी वो प्रोजेक्टर डाल देते हैं, जो थोड़ा हमारा फॉग लैम्प का होता है, पर वो फॉग लैम्प के लिए नहीं, प्रॉपर फॉर्चुनर के लिए आता है। अच्छा जी, तो ये प्रॉपर जो पिछला जो पहले जो लगा हुआ था उसको हटा करके रिप्लेस करा है, पूरा प्रोजेक्टर निकाल के यहाँ पे रिप्लेस किया, नया लगाया। ठीक है जी, तो ये आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है भाई, आप सामने देख सकते हैं एक बार, और बहुत ही बढ़िया आपको लाइटनिंग इसके अंदर मिलेगी। जो विजन है वो पूरा मतलब पूरा हाईवे वगैरह पे आप चल रहे हैं रात में तो कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, कहीं पर भी डिपर वगैरह देंगे प्रॉपर साइड मिलने वाला। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, बिल्कुल डिपर भी दिखा देते हैं आपको किस तरीके, मतलब जो फॉर्चुनर
सुना हमें लाइट चाहिए होती ना कि हाँ इतनी बड़ी गाड़ी का टोरा है, तो वो यही चीज़ देखवाएगा। तो भाई लाइटिंग का रिस्पॉन्स आपने देख लिया होगा और गाड़ी काफ़ी बढ़िया लग रही है पूरी तैयार होने के बाद, बहुत ही प्यारी लग रही है। अभी कस्टमर के पास आए हुए हैं, अंदर चल करके आपको पूरा दिखाते हैं जो ऑडियो सेटअप हमने किया है और उसका क्या रिस्पॉन्स है ना, कस्टमर से ही पूछते हैं। हाँ, कस्टमर से ज़रूर पूछेंगे और रिस्पॉन्स भी दिखाते हैं आपको कि अंदर किस तरीके से पूरा जो सराउंडिंग है, जो जिस तरीके से भाई ने पूरा DSP का सेटअप किया, प्रोसेसर का सेटअप किया है और जो एम्प वगैरह मोनो वगैरह लगाया उसका आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट हम आपको हमने नहीं सुनाया तो वो सुना देते हैं अंदर बैठ करके, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से काम करते हैं यहाँ पे, किस तरीके से क्वालिटी वर्क होता है कार निखार पे साहिबाबाद में। चलते हैं अंदर भाई और दिखाते हैं एक बार, कस्टमर से ही पूछते हैं कि उनको कैसा लगा, उनको कैसा लगा सारा काम। बिल्कुल तो जैसा कि आपने देखा कि हमने इसमें कैसे ट्विन 3-वे सेटअप और वो भी पैसिव किया कि हमने इसमें क्रॉसओवर इसके ऐसे ही रखे और इसमें हमने एक DSP डाल के और कैसे हमने मोनो और पूरा इसमें ऑरा का सेटअप यूज़ किया, ऑरा वाइब और साउंड बूस्टर का कॉम्बो आता है ये पूरा, बहुत अच्छा गाड़ी के अंदर डॉल्बी एटमॉस वाला जैसा आपको चाहिए, जैसे आप घर पे होम थिएटर लगाते हो उससे बेटर साउंड मिलती है। तो एक बार जो गाड़ी के ओनर हैं एक बार उनसे मैं आपकी कराऊँगा। अंकल अभी तक आपने हमसे काम कराया अपनी गाड़ी में, कैसा लगा? काम काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है और जो भी कंसर्न थे मेरे, जैसे इस गाड़ी में थोड़ा लो लाइट का कंसर्न था, बेसिक लाइट प्रॉब्लम था, वो अब काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि जैसे मैं देख रहा हूँ तो हर चीज़ बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है और एवरीथिंग इज़ गुड। और बाकी ऑडियो वगैरह का कैसा लगा? नहीं, ऑडियो का तो आपका मैं पहले से फ़ैन हूँ और इसमें जो चीज़ मुझे कंसर्न लग रहा था, जैसे कि जो आपने इसमें जो एक्स्ट्रा जो गैजेट्स इंस्टॉल कर रहे हैं उससे भी काफ़ी अच्छा, मतलब जो एनवायरनमेंट बन रहा है वो काफ़ी सूदिंग है और गाड़ी में परफेक्ट वॉल्यूम आ रही है। तो आपने देखा कि कस्टमर ये वाली भी सेटिस्फाइड है, सारे आपने अभी तक देखा मेरी इतनी वीडियोज़ हैं, इसमें अभी तक किसी कस्टमर ने ये नहीं बोला कि वायरिंग इशू वगैरह कुछ। तो थैंक यू, एंड एक बार सकलीन भैया कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। बिल्कुल यार, ऐसी बढ़िया काम करवाने के लिए आप कार निखार पे आ सकते हैं, एक नंबर काम करके देते हैं, बढ़िया क्वालिटी, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था भाई क्वालिटी वर्क अगर चाहिए तो बिल्कुल आप लोग कार निखार पे आ सकते हैं। और ऑडियो सेटअप का आपने रिस्पॉन्स देख ही लिया, लाइटिंग का आपने रिस्पॉन्स देख ही लिया, तो बिल्कुल आप लोग आइए, एड्रेस और नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, नंबर लगातार स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा, आप लोग आइए और काम करवाइए कार निखार पे साहिबाबाद गाजियाबाद में।